किरण चौधरी, किरण चौधरी, उसके आदर्श ग्राम के लिए वो रख लिए कि नहीं? हाँ जी, वो गली बना बसके तैयार हो गई, बसके तैयार हो गई। चलो गुड, एक काम और लेके आई हूँ सारे घर देना में। इस सवाल में ये कितना है, 70 और 2 72। हाँ, 72 लाख रुपए का ये जो आपकी वाटर स्कीम है ना, वाटर सप्लाई, वो पूरा ठीक होगा और आपके घर घर के अंदर आगे पाइपलाइन पड़ेगी और टूटी पड़ लगेगी, ये सारा काम करेगा। 70 लाख का ये आप बाहर जाके जरूरत पड़ी पानी चारे वाले आ जाएगा। बाकी तो देखा ही होगा हमने विधानसभा में, विधानसभा सत्र में जो कार्रवाई हुई थी, इनके साथ काम करवाना बहुत मुश्किल काम। और आप जानते हो ये सारा काम जो है, ये MLA का कोई कोटा तो होता नहीं है, इधर उधर से जुगाड़ कर करवा के कोई यहाँ खेच कोई वहाँ खेच, इस तरह से काम करवा के लाती हूँ मैं आप लोगों को, नहीं तो ये काम होने वाले काम नहीं। यहाँ की सरकार आती को नहीं कुछ भी करके, बच्चों बीच में बैठो बेटा। और सबसे घातक काम जो इन्होंने करा है वो आप लोगों को मालूम ही होगा, विधानसभा की कार्रवाई जिसने देखी थोड़ा सा, जरा ये YouTube का जो ये बच्चे हैं या ये Facebook जो देखते हैं वो थोड़ा सा दूसरों को भी दिखाया करो, पता चले। 2 ऐसे कानून पास कर दिए कि जम्मा ही मरण वाला सौदा हो गया है। एक तो 3 काले कानून तो है ही, किसानों के ऊपर तो जो हाल हो रहा है देख ही रहे हो आप लोग सारे, बहुत बुरा, जिस तरह से सिर फोड़ रहे हैं सब कुछ हो रहा है। और सरकार जो है सुपुत लेने के लिए तैयार नहीं। देखो भाई कितनी अहंकार, कितना जबरदस्त तरीके का अहंकार आ गया कि अरे सरकार क्या बना ली कि मतलब सिर भी फोड़ दो कुछ भी कर दो जो मर्जी रह जी, खैर इन्हें भी बेरा तो फाट लेगा, लोगों ने मन तो बना लिया इनको बाहर करने का। क्यों बताओ भाई, तुम भी बताओ, इकड़े खेलते सारे चर्चा करते हो सारों के, वो पर्दा मोदी का उतर लिया कि नहीं सबके उतर गया ना, लोहारू वाले तो है उससे बड़ा पाखंडी नहीं कोई। मैं तो विधानसभा में बात गई और मैं उस पर बोलती हूँ क्या पाखंड कैसे करते हैं, पानी नहीं है, पानी नहीं है, SYL का पानी लाएंगे। तो भाई SYL का पानी लान खाता है भिवानी के अंदर, वो रखा कहते हैं उपवास, मतलब ये जो है व्रत रखा, व्रत एक दिन का व्रत रखा, बेरानी का व्रत रखा। साथ ही क्या आया हो या कुछ भी हो, झूठा तो वैसे ही है सब ने मेरा है साथ ही वहां पे करके कि SYL नहर लाएंगे, उपवास कर रहे हैं। तो मैंने पूछा विधानसभा में, मैंने कहा भाई ये बताओ इसे पाखंड करने की क्या जरूरत है, सरकार खाली है, किसके खिलाफ कर रहे हो तुम, ये उपवास किसके खिलाफ कर रहे हो, ये तो सरकार के खिलाफ होता है ना कोई भी काम हो। यहाँ भी सरकार खाली, केंद्र में भी खाली, सुप्रीम कोर्ट ने जो है SYL नहर का कहते रजामंदी दे दी, कह दी कि भाई पानी खा रहा, तो फिर मुश्किल क्या हो रही है, क्यों नहीं लेके आ रहा। मैंने कहा इतना भूखा मरता फिर रहा है सारा का सारा कि भाई तो ये SYL नहर का क्या हुआ, सुन सुनियों की तरह बिल्कुल न्यू 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 करने का टर लग, क्योंकि कोई बात ही नहीं है, झूठा नंबर एक, बताइए आप लोगों को। खैर दूसरी बात, वो तो इनके तो बहुत कहते हैं ना, वो थोड़ा सा लिखा था आए हैं और चले जाएंगे, पर बात ये है जो ये कानून बनाए ये हमारे लिए बहुत घातक कानून है और इनको शर्म आना चाहिए। जो लोग इनके चुन के MLA गए हैं जिन्होंने चुन नहीं करी और बल्कि इसके हक में बोल रहे थे, चाहे ये दुष्यंत चौटाला हो या ये सारे के सारे हो, पूरे के पूरे, एक तो जमीन अधिग्रहण का बिल नहीं करा, मेरा पार्टी का होगा ये तो, ऐसा है कि किसी की भी जमीन अधिग्रहण करी जा सकती ना, तो उससे उसकी रजामंदी की जरूरत
ना नोटिस देने की जरूरत, ना कलेक्टर को जाके देखने की जरूरत। रात तो रात यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर सरकार चाहेगी उसकी जमीन के ऊपर टेक देगी उंगली और उसके बाद सर मांडे बाहर। ये हालात हो गए हैं प्रदेश के अंदर, ये हाल इस तरह का कानून लाए हैं, देखो और क्या होगा। और ये घनी दूर की बात को नहीं, जाके देख लो इधर नीमड़ी वाली में वो टावर ला दिए वहां पे बड़े बड़े। अब जिसके चार पांच किले हैं भाई जमीन के और उसमें दो टावर आ जाए तीन टावर आ जाए उसका धो लिया काम, मुआवजे के नाम का कुछ नहीं। रावण खंभा, ये बात थी। दूसरा है ये पहचान पत्र, जो ये पहचान पत्र ये नहीं परिवार पहचान पत्र, एक तो पहचान पत्र है वोट वाला फैमिली आईडी, फैमिली आईडी कहते हैं यहाँ वहां पे वो उसका कानून का नाम है परिवार पहचान पत्र। इसके अंदर सारा थारा लेखा जोखा है, आमदनी कितनी हो रही है, कितनी जमीन है, कितने खाते में है, क्या लेन देन है, कितने पशु हैं। और अभी मीरान गई थी मैं तो वहां मेरे को मीरान वालों ने बताया कि वो लिख रहे वो बनाने वाला आया था तो एक बिल्ली बिल्ली बैठी हुई थी पास ही, तो कहता ही आपकी पालतू बिल्ली है, तो कहता मैंने मजाक में कह दिया हाँ, तो कहते वो बिल्ली का भी लिख कर ले गया। ये बताई हुई बात है मेरे को आज मीरान में, कहता बिल्ली भी लिखी उसने, तो कहते मैंने उसे पूछा बिल्ली भी लिख रहा है, तो कहता हाँ नहीं बिल्ली नहीं कुत्ता जो भी आप पालोगे, क्योंकि बिल्ली कुत्ते को भी तो आपको दाने खिलाने हैं दूध पिलाना है, ये कहाँ से आ रहा है पैसा। ये है हाल तो सुबह, ये तो काम हो गया भाई बहुत कसू था काम इसमें। अगर एक मिनट पहले कि वो पानी लेके आए जो नहर के अंदर है, अब केंद्र में कौन है सरकार, भाई मोदी जी बैठे हैं। हमने जो है हमारे मुख्यमंत्री जी को कहा कि भाई हम इसके अंदर पानी के अंदर कोई राजनीति को नहीं खेलेंगे भाई, तो हमारे हम तेरे घर चलेंगे तेरे को मजबूती देने खातर, तो हमने ले चल मोदी दौरे। आज 6 साल हो गए मोदी जी मिलन खातर तैयार बोली, क्यों देंगे तेरे को पानी भाई, कमाल कर रहे हो तुम। और हमारा तो हरियाणा की बात है, हम तो हरियाणा की बात करेंगे क्यों नहीं करेंगे, और अगर पंजाब के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी हम वो भी करेंगे क्यों नहीं करेंगे, चाहे कर सरकार किसी की हो वहां पर। लेकिन काम करना है, सुन लो मेरी बात सुनो, तुम्हें मालूम होना चाहिए जो ये तर्क करता है कि ये काम ना हरियाणा ने करना है ना पंजाब ने करना है, ये काम करवाना है केंद्र ने, केंद्र ने करवाना है, केंद्र की देख रेख के अंदर होना है। चाहे और उसमें ये तक लिखा है कि सैनिक बल का भी प्रयोग करना पड़े तो आप करो, तो क्यों नहीं करवा रहे हैं। हम जब तैयार हैं, विपक्ष के लोग तैयार हैं, कि हमने कहा कि हम तेरे साथ चलन खाकर तैयार, हमने यहां तक कहा कि तुम लोग अगर रिजाइन करते हो तो भाई हम भी रिजाइन करेंगे, इस्तीफा दो तुम भी हम भी देते हैं, सरकार क्यों कर चलेगी भाई फिर इनकी, समझ रहे हो ना, ये है झूठे पाखंडी, बस हो गई तेरी बात। अब चला जाना तने मेरे पास जाएगा, कितने साल में लगते हैं, कितना काम टाइम लगता है, तो कोर्ट कोर्ट के अंदर चल रहा था मसला इसलिए नहीं हुआ, नहीं तो अगर वहां सरकार होती और हमारी यहाँ होती तो आज तक हम ले आते, लेकिन सरकार को नहीं तो क्यों कराओगे। ये बात करे भाई तू मेरे साथ तर्क करेगा ना, मैंने मेरा है सारी चीजों का तर्क मत कर। हाँ नहीं दूसरी बात बता के रखे हो, लोगों को भ्रमित करते हो, ये मन की बात नहीं करे, दूसरी बातों का पता है, कोई गलत बात मैं कभी बोलती नहीं हूँ, जो बात बोलूंगी वो बिल्कुल सत्य होगा, ये बात आप गांठ बांधो, और चाहे किसी के खिलाफ भी पड़ती हो तो भी मैं बोलूंगी, इसलिए जो बात सही है वो सही। चौधरी बंसीलाल जी ने इसराइल का नहर निकाली, आप चुप हो जाओ। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि जो सरकार एक बार देखी उसके बाद दुर्भाग्य से चौधरी बंसीलाल जी की सरकार चली, उस समय बीजेपी के साथ इनका समझौते वाली सरकार थी, याद होगा, सरकार चली गई, कौन आए, चौटाला जी आए। चौटाला जी जब आए तब उन्होंने इसको सारे ठंडे बस्ते में इसलिए डाल दिया क्योंकि बादल जो है पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री उस समय था, और बादल और चौटाले का तो भाई वो पगड़ी बदल भाई है, सबने मेरा है,
ये कोई मेरे कहने वाली बात नहीं है, ये सब जानते। तो ये जो नहर उस समय चौधरी बंसीलाल जी के चले जाने के बाद पंजाब में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाई क्योंकि बादल वहां आ गया और इन्होंने जुटाला हरने जो है इसकी कार्रवाई आगे करी ली। नहीं तो पैसा दे दिया था, नहर का सब कुछ हो गया। वो बादल ने, बादल के कारण भाईचारा इन्होंने हरियाणा के साथ नहीं निभाया, भाईचारा निभाया पंजाब के साथ। नहीं तो अगर भाईचारा, ये भाईचारा इन्होंने पंजाब के साथ नहीं निभाया होता ना, आज के दिन ये सरकार ये जो है आ गई। फिर चौधरी बंसीलाल ने बेड़ा पार लिया कि भाई ये तो राजनीति की उसके ऊपर चढ़ गई। चौधरी बंसीलाल जी ने इसको कोर्ट में डाल दिया, केस को कोर्ट में इसलिए डाला कि भाई अब तो ये अगर आई नहर अगर आएगी तो ये खाली कोर्ट के जरिए आई। अब कोर्ट के अंदर जो सिलसिला तुम जानते हो, सरकारें आई गई, हमारा जब टाइम आया, हम जब सरकार में थे उस समय मैं भी मंत्री थी और हमने बहुत बहुत प्रयास करे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी, ये सारा ये तो रिकॉर्ड की बात है, जिसके कारण जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है टाइम लगता है सुप्रीम कोर्ट में, आज जो है मैं, मेरे केस चल रहे हैं भाई इसके जमीन के, आज सुरेंद्र के चले जाने के बाद आज 16 साल हो गए हैं, एक गला नहीं मेरे को मिल पाया। कोर्ट में चल रहा है मसला और अभी कहाँ है, लोअर कोर्ट में, भिवानी कोर्ट में चल रहा है मसला, उसके बाद हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो मेरे तो भाई जीवन के टाइम पे तो वो को नहीं, सच्ची बात है। तो ये ऐसा टाइम लगता है, ये अब जब इनके समय पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिए कि भाई ये पानी हरियाणा का, और ये पानी हरियाणा को कैसे मिलेगा क्योंकि अब हरियाणा तो पंजाब से ला नहीं सकता, क्योंकि वहां तो उन्होंने सारी नहर पार दी, सबके में कर दिया, वो तो अपना देखेंगे, अगर हमारा होता हम भी यही करते, बात सही है ना। तो हमने क्या करा, वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये दो इसका प्रदेशों का मसला है, केंद्र इसके अंदर हस्तक्षेप करेगा, समझ रहे हो, केंद्र हस्तक्षेप करके केंद्र को अगर सेना बल भी इस्तेमाल करना पड़े वो पानी हरियाणा को ला के दे। अब कितने साल हो गए, 11 साल हो गए हैं। और हमने कहा इसको क्या नाम है, इसको मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि जी हम आपके साथ प्रधानमंत्री के साथ चलने के लिए तैयार हैं, आप टाइम लो, विपक्ष नहीं है इसमें, इसमें हम हरियाणा के लोग हैं, क्योंकि हमें हरियाणा का काम करना है कि हम पूरा साथ देंगे। और मैंने कहा दबाव बनाओ, मैंने तो यहाँ तक कहा, मैंने कहा दबाव खाली एक तरीके से बन सकता है कि भाई सरकार के मंत्री और जो एमएलए है वो रिजाइन करें तो विपक्ष के भी करेंगे हम तैयार, कोई झूठी बात कही। अब सरकार वाले तो रिजाइन करें ना, और हम रिजाइन कर दें तो भाई फिर तो विपक्ष कति को नहीं रहेगा, समझ रहे हो ना, कोई बोल ही नहीं पाएगा फिर तो, कुछ नहीं। तो ये तो आवाज जो है ये विधानसभा पटल पे उठ सकती है ना, और कौन पूछ रहा है, 100 MLA आते बैठते हैं, फिर कौन पूछ रहा है, समझ रहे हो ना, ये है कहानी सारी। तो इसलिए खैर ये बात से हम भटक गए, परिवार पहचान पत्र पे जो था, ये जो कानून है सारे एक ही तरीका है भाई, ये तो सरकार आएगी अपनी जद ये रद्द करें करने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो ये जीवन जो है आप लोग जी नहीं सकते इन कानूनों के नीचे, सच्चाई है ये, सच्ची बात है। और जो किसानों के साथ हो रहा है इससे ज्यादा तो और क्या घटिया बन सरकार का होगा कि जिस बर्बरता के साथ किसानों को मारा जा रहा है, किसानों के ऊपर केस कौन से डाले जा रहे हैं, सेडेशन के केस, सेडेशन मतलब देशद्रोह, जिसका बच्चा, जिसका घर के परिवार के लोग सरहदों के ऊपर हमारे देश की सीमाओं के ऊपर जो है हमारी रक्षा कर रहे हैं उनको देशद्रोही बोल रहे हैं, इससे ज्यादा और घटिया अपना क्या होगा, खाली इसलिए कि अपने चहेतों को ये फायदा पहुंचाना चाहते हैं पूंजीपतियों को। और याद रखना इनकी नियत खाली एक है, जो मजदूर है वो तो बेचारा खत्म हो ही गया, मर लिया वो, उसका तो कोई नाम मतलब ना 3 में ना वो 13 में। हर आदमी को ये मजदूर बनाना चाहते हैं कि किसानों की जमीनें चली जाए और ये फैक्ट्रियों के अंदर और इधर उधर हाँटते फिरें, छोरों की नौकरियां लगनी नहीं। ये चुटाला ने कहा था 75% नौकरी देंगे, कहा था नहीं, कहा था जी। ये सरकार ने ये कहा था कि बेरोजगारी भत्ता 11,000 और 9,000 रुपए जो है, जो पढ़ा लिखा है उसको 11,000 बेरोजगारी भत्ता और 9,000 देंगे इसको
दसवीं पास को एक भी आया बेरोजगारी भत्ता काम में बताओ भाई। विकास की तो बात छोड़ दो, और जो आज जो है हर चीज खर्चा और पर्चा पे चलता है, हर चीज के ऊपर जो है ये चाहिए, सच्ची बात है नहीं किसी किसी के वहां चले जाओ पेपर तो परचून की दुकान में बिक रहे हैं, विधानसभा में कहा मैं तो परचून की दुकान में बिक रहे हैं पेपर डीसी रेट के ऊपर। मेरे को लोग बता रहे थे कि 15 वो मैंने कहा 15-16 हजार रुपए की नौकरी कच्ची वो भी और 5-5 लाख रुपए मार रही हो, बोलो के रह गया भाई रह के क्या, ये तो इसके बारे में कितना ही बोलते जाओ भाई, बहुत सुसुत्ता काम ईसा का सुसुत्ता काम तो कभी नहीं देखा भाई। सरकारें आती हैं काम करने के लिए, विकास करने के लिए, ये पहली सरकार ऐसी देखी कि देखो सारे के सारे जो है तेल जो तेल कच्चा ले रहे हैं वहां से ऊपर से सस्ता फ्रॉम ये सऊदी अरेबिया से कच्चा तेल आ रहा है, कच्चा तेल सस्ता मिल रहा है, वो कच्चा तेल सस्ता मिलकर उसके ऊपर इतना टैक्स इन्होंने लगा दिया कि आपकी जेब के ऊपर कटाई हो रही है 100 से ऊपर डीजल। ये बस एक ही बात है इनकी, जो वो पड़ता पड़ा हुआ था ना लोगों की आंखों पे, और जो घने तर्क वितर्क करते थे वो कहते ना कहीं से हो है ना जिनके वो कीड़ा हो है भाई मेरा ही मेरा पार्ट लिया भाई। अब जिसके जो ये लंगड़ फंगड़ जिसके के मैं कौन उसकी तो बात छोड़ दो, पर जिसके है उसके मेरा पार्ट लिया कि भाई सत्यानाश गया को ये है कहानी। 7 साल तो गए निकल गए भाई, कोई बात नहीं चिंता ना करो क्योंकि आओगी सरकार और धड़ाके से आओगी भाई, लोगों ने मन मना लिया, मैं तो पूरे हरियाणा आंसू ये खाली जात पात का जहर बोले है भाई।